श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी दिल्ली द्वारा दिल्ली के अजमेरी गेट चौक पर बुधवार को संत गुरु रविदास जी की 645वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कमेटी के अध्यक्ष ब्रह्म प्रकाश बुलाकी, पदाधिकारियों और सदस्यों ने यहां आए अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा नेता योगेंद्र चंदोलिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश लिलोटिया और आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद गुड्डी देवी के अलावा तमाम नेताओं और समाज से जुड़े लोगों ने जन्मोत्सव समारोह में शिरकत की। समारोह की अध्यक्षता कमेटी के अध्यक्ष ब्रह्म प्रकाश बुलाकी द्वारा की गई और यहां गुरु जी का भजन कीर्तन किए गए और आरती के साथ सम्पन्न हुई। जन्मोत्सव जयंती के बाद गुरु जी की अलग अलग सुंदर झांकियों के साथ विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा का उद्घाटन संत कुलवंत राम जी द्वारा किया गया। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी दिल्ली द्वारा संत गुरु रविदास जी जयंती मनाने के साथ सुंदर झांकियों से सजी शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस बार शोभा यात्रा अजमेरी गेट से होते हुए लाहौरी गेट, सदर बाजार, बाड़ा हिंदू राव से होते हुए नाईवाला, करोलबाग, आर्य समाज रोड, देवनगर में स्थित श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर करोलबाग में जाकर संपन्न हुई। टोटल खबरें के संवाददाता ने जब कमेटी के अध्यक्ष और अतिथियों से बात की तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आज यह जो हमारी इतनी बड़ी शोभा यात्रा है, यह शोभा यात्रा श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी का आयोजक है। इसका जो सारा का सारा जो समावेश है वो दिल्ली के तमाम क्षेत्रों में जहाँ पर समाज के लोग रहने वाले हैं, यह है उनका है। दिल्ली के हर कोने से रहने वाले व्यक्ति अपने इस झांकी में, शोभा यात्रा में, झांकी के माध्यम से, मंच के माध्यम से और कई कीर्तन मंडली के साथ इस शोभा यात्रा में भारी संख्या में शामिल हो रहे हैं। आज का खास कार्यक्रम, हमें खुशी की बात यह है साथियों कि जिस प्रकार पिछले वर्ष कोरोना लगा था और कोरोना के बाद सारे दिल्ली में कार्यक्रम समाप्त हो गए थे, लगभग हो नहीं रहे थे, और आज जब दोबारा तीसरी वेव दिल्ली के अंदर कोरोना की आई, उसमें भी दिल्ली में सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम बंद हो गए थे, लेकिन आज ये बड़ी खुशी और हर्ष का विषय है। परम पूज्य संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 645वीं जयंती के अवसर पर इस वर्ष में सबसे पहली शोभा यात्रा निकाली जा रही है और इसमें पूरा का पूरा प्रशासन का, जिस प्रकार हमारे दिल्ली पुलिस का और दिल्ली प्रशासन का, भारत सरकार का, राज्य सरकार का जो हमें सहयोग मिला है, मैं कमेटी ओर से उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। पूरे भारतवासियों से ये प्रार्थना करूँगा, जो संदेश और जो सामाजिक समरसता का संदेश गुरु रविदास महाराज जी ने दिया था, अगर हमारे भारत में तरक्की करनी है तो गुरु रविदास जी को संदेश को अपनाना पड़ेगा। गुरु रविदास जी ने भ्रष्टाचार के ऊपर भी कहा, जैसे भ्रष्टाचार पे कहा, भ्रष्टाचार के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समरसता पे बोला, श्रम पे कहा, जीव वैसे ओंकार जब हत्तन से कर काज, राम मिले घर आई के कहे रविदास विचार। तो भाई यात्रा अजमेरी गेट से आरंभ होकर स्वामी सर्दानंद मार्ग, लाहौरी गेट, सदर बाजार, रानी झांसी रोड, इश पार्क रोड, मानकपुरा और आर्य समाज रोड से गुरु रविदास मार्ग होते हुए रात्रि में श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर देवनगर में समाप्त होगी। यह शोभा यात्रा में हमारे जिस प्रकार से गुरु रविदास जी ने अपने वाणी में कहा था, एक सामाजिक समरसता की कल्पना की थी, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले समन को अन, छोट बड़ो सब सब बसे, रविदास रहे प्रसन्न। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव साहिब, कमाल जगत पितामा, धन धन सतगुरु दास महाराज जी, 645 प्रकाश उत्सव की खुशी में पूरे वर्ल्ड के संगतवर मनाया जा रहा। अज सेंटर कमेटी श्री बिलाकी राम प्रकाश बिलाकी जी, जो पूरी टीम लैके सतगुरु दास महाराज की शोभा यात्रा दिल्ली के कड़ते हैं और ये बहुत ही एक बहुत वधिया, मतलब ये गुरु रविदास महाराज का शोभा यात्रा कड़ते हैं, जिस सतगुरु दास महाराज के सोने के बिल्कुल उन्होंने सरूप हैं और उन्होंने थले जो संघर्ष है, सिंघासण आ, वह भी चांदी का है। इन्हों का इन्ना अथाह प्यार है गुरु महाराज जी नाल, असीं श्री गुरुदास साहब संपर्क सोसायटी वालों सारिया संगतों को लख लख बधाई दिंदे आ और दिल्ली दी संगतां नूं इह भी कहिंदे आ कि सारे जणे अपने घरां तों बाहर आ के गुरु महाराज की शोभा यात्रा में शामिल होवो। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। हाँ जी, इत्थे झाकियां जिहड़ियां बहुत ही वधिया है दिल्ली के 80 झाकियां दसदे, पर संगतां वालों होर ही बहुत लियांदियां गईयां, जिहड़ा कि बहुत लंबा है ये शोभा यात्रा आ,
बहुत वधिया मतलब इन्होंने झाकियां तैयार कीतियां बहुत ही वधिया ढंग दे नाल जिहड़ी कि देखण नूं जिन्नी बारी मर्जी देख लिओ रूह खुश रजदी नहीं जिन्ने च बार देख लो उन्नी बार ताजा आ और सतगुरु दास महाराज जी की कृपा है। जय गुरुदेव धन गुरुदेव 645वीं शताब्दी है और रविदास वो आदमी थे इस समय तुलसीदास जी अपना साम्राज्य लेकर खड़े थे। गुरु रविदास और संत कबीर ये बेगमपुरा का मॉडल लेकर खड़े थे। अफसोस कि बेगमपुरा का मॉडल नहीं अजमाया गया और रामराज्य अपना लिया गया जिसमें तमाम औरतों के साथ बदतमीजियाँ बदसलूकियाँ थीं और जाति प्रथा थी और बेगमपुरा मॉडल आज होता तो शायद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम लोगों को 650 साल की जो जद्दोजहद है उससे छुटकारा मिलता यही मेरा आज का संदेश है। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव। आज बहुत अच्छा रहा तमाम लोग आए। आज सुबह मंदिर में मोदी जी भी आए मतलब जख्म पे नमक छिड़कने के लिए हमारे समाज के और उसके बाद ये शोभा यात्रा हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत तरीके से बुलाखी जी और उनकी टीम ने जन्मोत्सव कमेटी ने इसको आयोजित किया और सब बहुत प्रसन्न हैं। गुरु जी की कृपा से पूरा समाज अच्छा रहे ये देश अच्छा रहे ऐसी मेरी शुभकामना है। आपको बता दें कि संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की जयंती पर हर वर्ष विशाल शोभा यात्रा तो निकाली ही जाती है और इसके साथ जगह जगह प्रसाद की व्यवस्था और भंडारे का आयोजन समाज के लोगों द्वारा प्रबंध किया जाता है और गुरु जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। अलग अलग पार्टियों के राजनेता भी समारोह में शिरकत करते हैं। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।